वो उनकी मदद करेगी तभी ये आगे बढ़ सके। कई सारे किसान हमारे साथ ग्रोवर्स बड़ी बड़ी मंडियों तक उनका कारोबार कर रहे मगर आज ये पूरी तरह से शहरों में मायूसी छा रही है। इसीलिए कुदरत का कहना है यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने सेब बागों में ही भेजे 1300-1400-1400 में पेटी बिक्री आज वही पे 50 रुपए में भी शायद नहीं जाए। जो बच्चा का क्या बचा हुआ माल है उसमें भी जालाबाजी उससे सुराग उससे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये आप अपना नाम बताइए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो ये साहब कह रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस जरूरी होना चाहिए, बाकी स्टेट्स में है मगर कश्मीर को अवॉइड किया जा रहा है। क्या यहाँ का किसान किसान नहीं है? क्या यहाँ का किसान आपको टैक्स नहीं देता है? जीएसटी भरता है, टैक्स देता है, हर एक चीज ये लेता है, बैंक को सूद भी देता है। केसी लोन कई बार इनसे वादा किया गया कि इस पे तफावत की जाएगी मगर अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। कल रात की आंधी ने इनको मायूस कर दिया, मायूस इसलिए हुए कि इनकी नजरें सिर्फ इनके बागों पे हो। कई सारे मकानों की छत भी उजड़ गई, वो छत एक दूसरे के करीब पड़ गए। गनीमत ये रहा कि किसी की जान नहीं गई। घरों के अंदर भी बारिशें घुस गई इस कदर, तो यहाँ पे आंधी आई थी, इसको हम आंधी ही कहेंगे क्योंकि तेज हवाएं जो होती है वही आंधी है, मगर हमने इसको आंधी का नाम इसलिए नहीं दिया। ये कई जगहों पे हुई, ये कुलगाम जिले के जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनमें ये नुकसान ज्यादा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम शुपियन की बात करेंगे, शुपियन में कई गाँव इसकी जद में आ गए मगर कुलगाम का पूरा एरिया इसकी जद में आ गया, जहाँ पे करोड़ों में नुकसान हो गया। आज किसान एक बार फिर मायूस हो गया, कई सारे गुना को मुश्किल से किसान दो चार है कभी मैया न होने पर, कभी अद्वियात के डुप्लीकेट होने की या गैर मियारी होने की बाजारों में वो ये छिड़कते, उसके बाद इनको पता चलता है। यहाँ के इंसाफ किसान इंसाफ चाहता है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और नौजवान जुड़ चुके हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान हुआ होगा। नुकसान हेकन तदाद कर नुकसान कूत ये नुकसान वन तो सह सो नुकसान मगर अम्मीद कि माल वाल वालन टाइम तो अब सो बच अगर कोर खानर करो तो अच्छे कत अूटिस पे क्योंकि ग्रोवर तम यमो अनमुम मगर वनक गई मायूस क्योंकि उम्मीद कि ब्रो कह अल्लाह ताला पत्ा गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट के ग्रीसिस खड़ा करो क्योंकि ग्रीस गोवन घंटे मज खड़ा क्योंकि किसान के सी सी वन इंट्रस्ट खरसन करुस तो गौकस मे ये डैमेज क्योंकि तमें सात वो गवर्नमेंटस कि ग्रीस खरू तक अख पालसी इंश्योरेंस स्कीम करू अस पे लागू मगर गवर्नमेंट तस् से मज ग ये सात हर सात इन वन ग्रूस नड इम ये नड आड़ी मगर बनक चाहे सू मोदी खेवान चाहे अमित शाह खेवान मगर ये बन ग्रूस कम आई तेल तम खेवान
مگر گریستس پہ یم سات کانتی سکیم یور چ لاگو کر تم سات دم تاس سے مس گسر کہ گریستس سن چن دم بوزن کہ یم سات اس گریوش ون اے گور میری دوا گور میری کھاد تم سات چن تم سون بوزن کہ ونکن چ بینکر ساجنی مو گریستس من کان کان یم اس در رپ اس در لا چا مگر پرسو کے انٹرسٹ تی ہوک نہ بھرت کہ گارنٹر گارنٹر سن اکاؤنٹ مز کے سی جو انٹرسٹ گامن من چ لڑائی ونکن چلن ہے میہ چٹو تو انٹرسٹ تھی بہو آج انٹرسٹ مگر یم سات اس گورنمنٹس اپیل کر موتوان گزارش کر سان خطر پیٹو کان پالسی لاگو مگر تم سات سو مان یل گریستن پیٹ امس پالسی لاگو کر گریستن پیٹ تم سات لاگو کر یکدم چاہے وہ ڈنڈو سے کریں گے چاہے وہ اور کسی سے ہوگا تم سات گریستن پیٹ سو سکیم گھن لاگو یم سات روڈ بند تم سات تون اس پرسک ٹائم سون مال سڑو روڈن پہ پہ اس کول سٹورن من اخ امید اخ کہ اس نیر کول سٹور من مال کیونکہ سہ چھ کان گروور یم نہ یور پہ رات دے کرائے کمن کول سٹور والے گو اس تتن تلا تلا دلیل یمن دوپ اس مہربانی کر مال مہ انو ٹیکس فری کی چاہے امریکہ سے چاہے افغانستان سے چاہے ایران سے چاہے عراق سے سن ٹیکس فری یل سانے چیزن پہ گو ٹیکس تم ٹیکس فری کرا مال سون مال سون مال ونکن تہ سڑن کمن من منڈین من تم کہیں مگر ہمن ہند خطر ریٹ تو مقرر آمت کر